तुम मरोगे। नहीं बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। हरगिज मुझसे पहले ना जाना। हरगिज मुझसे पहले मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत। नहीं कपूस, नहीं, मुझे छोड़कर मुझसे पहले नहीं जा सकते हो तुम। मैं रियासत का एक मामूली सा सिपाही हूं बाबा, मेरा काम हुकुम मानना है। कोशिश करूंगा कि आपको मायूस न करूं, वादा है मेरा। खैर बेटा, हानदान नीचे खड़ी काफी देर से मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि हमने कॉफी पीने का प्लान किया था ना बेटा। ये अच्छा रहेगा, पहले चाय खत्म कर लो अपनी। भाई अक्सर मिलने के लिए जाते रहते हैं उससे। यिल्डिज, क्या वो रो रही थी बहुत? कौन, आसिया? हाँ हाँ, रो तो रही थी। किस कदर मोहब्बत हो गई ना दोनों को एक दूसरे से। अम्मी आप भी ना किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हैं इतनी सुबह सुबह। तो तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में कोई बात ही ना करूं? हद करती हो। मैं देखती हूं। अरे आप बैठी रहे, मैं जाकर देखती हूँ। कैसे बैठी रह सकती हूँ मैं? खदीजा प्रेगनेंट है, तुम्हारा भाई अस्पताल में है, मेरा एक कान हर वक्त दरवाजे पे लगा रहता है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी अम्मी, खुश रहें। मेरी प्यारी सुल्ताना, आपको देख लिया, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मुझे भी तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो तुम बैठो तो सही। वैसे मेरे लिए आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कर्नल भी बिल्कुल ठीक है, कागान भी बिल्कुल ठीक है, बस मामूली चोटें जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी तुम तो अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हो ना। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। वैसे कुछ है जो बताना चाहता हूँ मैं आपको। वो लड़की थी ना जो मैंने आपको बताया था, कागान की गर्लफ्रेंड थी आसिया, कागान उससे बार बार मिल रहा है। पूरी बात बताओ। हौसला रखें, सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या? जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं और साथ में कुछ पीऊंगा नहीं, तो चीजें बताने का हौसला मुझे कहाँ से आएगा। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपने मेरे लिए अच्छा जरूर कुछ बनाया होगा। मतलब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप मेरे जो मजे मजे के खाने बनाती है ना, उसकी तारीफें कर करके तो मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं अभी कुछ बना खिलाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये तो बिल्कुल ही पागल है। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ। ठीक है तुम जाओ। हाँ जल्दी जाओ। अब तुम आराम से बैठो और मैं तुम्हारे लिए ताजा ऑमलेट बना के लाती हूँ। रुलाएंगे क्या? उसके साथ ताजा केक्स भी है। बस अभी आई। पता है जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, जानती हैं आप? मतलब एक गरीब को खाना खिला रही हैं आप, वो भी अपने घर में बिठा के, और दलील भी नहीं कर रही है। अच्छा खैर, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताइएगा जरूर। हाँ अगर जरूरत नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं भी यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। ज्यादा देर इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा मुझे वैसे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका तजुर्बा किए बगैर लोग समझ नहीं सकते, लेकिन इस सूरत हाल में तुम्हारे साथ मैं ये समझ गई हूँ कि एक फौजी के घर वाले उसके बगैर क्या महसूस करते होंगे। इस सिचुएशन में होते हुए मैं अक्सर ये सोचता हूँ हम कितने दूर हैं, और ये हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है, कभी सोचा है तुमने? क्या मतलब है? देखो कुछ ऐसा कहो जिससे मुझे सुकून मिले। कुछ इश्क की बातें होनी चाहिए जिन्हें सुन के जिंदगी अफसाना हो जाए, और हम उन अफसानों को हकीकत की जिंदगी दें। तुम इस मोहब्बत में जो महसूस करती हो ना, उसका इजहार करना चाहिए। कहो क्या कहना है? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं आपकी मोहब्बत में सातवें आसमान पर होती हूँ? मैं ऐसे शख्स से क्या तवक्को कर सकती हूँ कि जब मैं उसे खाने का कहती हूँ तो वो कहता है कि मैं कला फतह कर रहा हूँ, इसमें मेरा कसूर है ना? जानती हूं मम्मी के बाल सफेद होना शुरू हुए थे जब मैं एज ए लेफ्टिनेंट इराक को जा रहा था।
उस दौरान उनके बालों की सफेदी बढ़ती जा रही थी और वहां पर मुझे कैद हो गई। और जब मैं वहां से बाहर आया उनके बालों में मुकम्मल चांदी आ गई थी। आज से हम हर रोज एक बड़ी जंग से गुजर रहे होते हैं और इसका ताल्लुक किसी फौजी या सिपाही से नहीं। देखा जाए तो हम इंसान हर वक्त जंग की हालत में ही तो होते हैं। हमारे दरमियान खुशामदी। आपका इशारा किस तरफ है मैं अच्छे से समझ रही हूं। ओके ओके। जानती हूं मैं क्या चाहता हूं। जैसे ही हॉस्पिटल से फ्री होऊंगा मैं एक मोटरसाइकिल लूंगा, सामान उठाएंगे और सवार हो जाएंगे। जहां हमारा दिल चाहेगा हम वहां जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या सच में? हाँ ना। अच्छा है। हद हो गई है भाई, आप अपने रूम से निकलकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? मुझे माफ कीजिएगा, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। भाई आप अपने रूम में क्यों नहीं हैं? मुझे जवाब दें। यिल्दिज़, हर दो मिनट के बाद आके चिक चिक नहीं करो, अब ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमने आपको हर जगह पर ढूंढा भाई, हर जगह पर। अच्छा बस अब ठीक है ना? वो हमारे कमांडर एमआरआई में है ना? मैं बस यहाँ फ्रेश एयर के लिए आया हूँ। आसिया से बात कर रहा हूँ, कमांडर अंदर है? मैं कमांडर की बात नहीं कर रही, आपकी बात कर रही हूँ। ये बताएं कि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है ना भाई? इनसे बेहतर तो छोटे से बच्चे होते हैं, इन्हें तो जरा भी ख्याल नहीं है अपना, ये तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो? खैर इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि करते तो ये वही है जो इनका दिल करता है हमेशा हमेशा। अच्छा ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ अभी अंदर। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब हम साथ चलते हैं। माजरा चाहती हूँ लेकिन अब हमें रूम में वापस जाना होगा। अरे नहीं नहीं रुक जाए, इस तरह नहीं, इस पे जाएंगे। अरे यिल्दिज आ जाए बैठे। अच्छा तुम लोग छोड़ दो, बस मैं खुद बैठ जाता हूँ। आसिया परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं भागिएगा। न जाने क्यों इससे उठकर बाहर आ जाते हैं बार बार। सही कहा। सोच रहा था कि आखिर क्या चाहिए आप लोगों को यहां। सब कुछ तो है आपके पास, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, जानो माल महफूज है, हर तरफ सुकून है। ऐसे ही है, कहो अगर नहीं है ऐसा, कहो क्या चाहिए। किसी की भी कोई दिली ख्वाहिश है तो बिला झिझक आप मुझे बता सकते हो। किसी भी माशरे को सुकून के अलावा और क्या चाहिए होता है? और आप तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सब के बाद भी अगर कोई हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करता है तो बताओ क्या करना चाहिए। हाँ? उसका अंजाम वाजे होना चाहिए। कुछ गलत कहा मैंने? अब ये बताओ वो फोन करने वाला लड़का कहां है, बताओ ना। यहां से उन फौजियों को फोन किसने किया था?
किसने उनको फोन किया था? मैंने। अच्छा, तुमने किया था? वाह वाह वाह, क्या बात है। वाकई तुम थे फोन करने वाले? हाँ, मैंने किया है। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई थी? हमें बस आजादी चाहिए। आजादी? तो आजादी के लिए खतरा मोल लोगे? बड़े ताल्लुकात हैं, तुमने तो फोन करके हेलीकॉप्टर ही बुला लिया। एक लम्हे को भी डर महसूस नहीं हुआ? एक लम्हे को भी मेरा ख्याल नहीं आया? एक दफा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? इसकी एक गलती पर हम सबकी जानें दांव पर लगी हुई थी। तुम लोग बताओ, इसके साथ क्या करना चाहिए हम लोगों को? हेलीकॉप्टर बुलाता है ये, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। उस वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? मैं ही था। सच बताओ, फोन करते वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? और कोई नहीं था। क्या? मैं अकेला था। तो अकेले थे? देखा तुम लोगों ने, अब कोई करेगा ऐसा? देख लिया आप सबने? अब बताओ, कोई करेगा उन्हें फोन? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगर अब किसी ने कोई हरकत की तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। हर कोई ये बात अपनी जहन में अच्छी तरह बिठा ले, समझ गए? अगली दफा पूरा खानदान मरेगा। हॉस्पिटल जा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मुझे पहले कैप्टन कागान को देखना, उसके बाद इंतजाम करें। जी ठीक है सर।
वैसे सर, यह आदमी तो 8 से 10 दिन की बात कर रहा है, हम इतने दिन यहां क्या करेंगे आखिर? मेरा तो सोचकर ही दिमाग खराब हो रहा है। किस्मत से मौका मिला है बेराम आराम करने का, आखिर और क्या चाहिए? सर यकीन करें, मुझे इस तरह का आराम नहीं करना। उबले हुए खाने बिना नमक के और चाय भी इतनी बदजायका होती है कि पीकर इंसान को उल्टी आ जाए। सच में सर, मैं यहां मर जाऊंगा, मेरा नहीं गुजारा होने वाला, और साथ में ये सर का फ्रैक्चर। सर आप हंस क्यों रहे हैं? हद है, सोचा खदीजा को कह दूंगा कि मेरे लिए खाना बनाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। क्या करूं, आप ही बताएं मुझे। वैसे अगर ये तुम्हारे बस में होना तो पेस्ट्री से भर दो तुम्हें ये सारा कमरा। सच में मजा आ जाएगा। कमांडर। कैसे हो जवानों, कैसे हो बहराम? जल्द ठीक हो जाओगे। शुक्रिया सर। वेल डन, गुड वर्क। थैंक यू सर। बैठो बैठो, बैठ जाओ, आराम करो। ये बताओ कि अब तबीयत कैसी है तुम लोगों की? शुक्रिया अल्लाह का। शुक्रिया अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सर अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी जाकर आराम करो। शुक्रिया सर। सुनाओ कागन, कैसे हो तुम? पहले से ठीक हूं सर। मैंने इलाकाई कमांडर से बात की है, उसका कहना है कि हालिया बरसों में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का यह हमला है। उन्होंने घात लगाकर हमला किया और जिन दहशतगर्दों ने हमला किया उनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर पर हमला करने के बाद उन्हें इलाका छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दरहकीकत उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स किया। वो दहशतगर्द सर्च रेस्क्यू टीमों के लिए घात लगाए बैठे थे। मेरा ख्याल है कि वो हमारे कर्नल को जाती तौर पर निशाना बनाना चाहते थे, और उनके हमला करने की वजह भी यही थी। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हम जिंदा हाथ लग जाएं उनके। मुझे उनके इरादे अभी भी ठीक नहीं लग रहे, और मुझे शक है कि वो दोबारा हमला करेंगे। हमें कर्नल की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा और उसके लिए इकदाम करने होंगे। ये ठीक है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसका चार्ज संभालो। अगर जरूरी हो तो टीम से भी मदद ले सकते हो। अपनी नजरों को हर सूरत कर्नल पर मरकूज रखना, क्योंकि वही हदफ है। यस सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। बोलो। वो क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो तलवार जो उनके सर काटने वाली है वो कर्नल के हाथ में है। देखो कैप्टन कागान, सबसे खतरनाक दुश्मन तोप या राइफल नहीं, बल्कि खतरनाक अमले के अफसर की जहानत है। वो मंसूबा साज है, जिस अमल का वो इरादा करता है और वो जो ऑपरेशन करता है, इसी वजह से हमारा कर्नल कोपोज एक हदफ है। मेरे ख्याल में अब तुम समझ गए होगे कि हमें क्या करना है। कोपोज का ख्याल रखना। अब चलता हूं मैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल मत हिचकिचाना, इंतजाम कर दूंगा मैं। नहीं शुक्रिया सर। कागान, वहां पर क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था वहां पर? कमांडर अगर सच कहूं तो हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अचानक पता नहीं वो कहां से आ गए, पूरी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन हम उनके मिसाइल्स की जद में आ गए, लेकिन एक जवान ने बचा लिया। क्या हमारे जवानों में से था? हम में से कोई नहीं था, लेकिन एक सोल्जर था हमारे साथ, दुआन बाइंदर। दुआन बाइंदर, ठीक है फिर तुम आराम करो, मैं चलता हूं। थैंक यू सर। मेरे घर को अपना घर बताने की ना जरूरत नहीं है, समझे? जो कुछ भी वहाँ है मेरा है, उस घर के अंडे भी मेरे हैं, ब्रेड भी मेरी है, और सब कुछ छोड़ो अम्मा भी मेरी है। उससे कहो वो भी आ जाए, बहुत मिस कर रहे हैं हम उसे। आवाज आ गई ना, क्या कह रही है वो? साफ साफ कह रही है कि जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाओ घर आने की जरूरत नहीं है, वही सुकून से पड़े रहो हॉस्पिटल में। मिस आसिया कैसी है, क्या तुम दोनों की मुलाकात हो गई? थैंक
मैं मिस्टर कागान की कॉल का जवाब नहीं दूंगी। उसको मेरे पास आना होगा, अपनी टांगों पर चलकर आना होगा उसे। मुझे वहां पर कोई नहीं जानता, मेरा जाना ही बेहतर होगा। तुम्हारे वाले, तुम्हारे भाई, हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ वही है। उसे अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। जान से मार दूंगी मैं इसको, जान से मार दूंगी।